नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि BSTC का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो आज जो अपने एनिश्वर की के ऊपर हम जानेंगे कि कौन कौन से पर्सन अपने इस क्लास से अपने और यहाँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए थे, तो जिन विद्यार्थियों ने उन्होंने भेजा था उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हम इन सभी पर्सनों को हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि समय समय के ऊपर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। देखिएगा, आज जो पर्सन आए थे उन पर्सनों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने हमें भेजे थे उन पहले पर्सन में सबसे पहले है कि पहली भारत वंदे ट्रेन कब चली थी, तो 12 अप्रैल 2023 को चली थी। जैसा कि आप इसमें उत्तर भी दे रखा है विद्यार्थी ने, एक करंट का पर्सन यानी भारत से संबंधित ये पर्सन आया था। तीमनगढ़ का किला आप सभी साथियों को पता है करौली के अंदर है। यमुना नदी में मिलने वाली नदियों में से पूछा था तो उनमें बाणगंगा हो जाएगी। वैसे यमुना में डायरेक्ट राजस्थान की एक चंबल नदी जाकर मिलती है। एक के आंदोलन का संबंध पूछा तो एक के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी, ये हमने पढ़ रखा है, जान रखा था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछा था तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या हो जाएगा, मूल नाम हो जाएगा विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुजर हो जाएगा, ये हमने देख रखा है। उसके बाद में इन्होंने जो अन्य पर्सन पूछे थे उनमें से देखो, विजय सिंह पथिक का मूल नाम हो गया भूप सिंह गुजर। उसके अलावा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया था कि भाई कहाँ पर है, यहाँ पर जिस विद्यार्थी ने भेजा है उसने इसी प्रकार से लिखा था कि राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करेंगे तो बीकानेर के अंदर स्थित था। उसके बाद बनी ठनी चित्रशैली की बात करेंगे तो किशनगढ़ चित्रशैली है, वो बनी ठनी चित्रशैली से संबंधित आती है। हुरडा सम्मेलन आप सभी साथियों को पता है 17 जुलाई 1734 को हुआ था, तो ये भीलवाड़ा में आता है और मेवाड़ क्षेत्र भी साथ में शायद ऑप्शन दे रखा होगा। तो हुरडा स्थान प्रमुख रूप से भीलवाड़ा में आता है, अगर मेवाड़ क्षेत्र दे रखा था भीलवाड़ा न देकर तो मेवाड़ के अंतर्गत ही शामिल होगा। फिर उसके बाद अशोक विहार, ये करवाया हुआ पर्सन था कि अशोक विहार कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है अशोक विहार। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अशोक विहार के बाद में मादल, मादल पार्वती का वाद्य यंत्र था, इसमें ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ था कि मादल क्या है, तो मादल पार्वती का वाद्य यंत्र था, ये भी ध्यान रख लेना। अणुनगरी किसे कहते हैं, तो अणुनगरी को हम किसको कहते हैं, रावत भाटा को कहते हैं। किसको कहते हैं, रावत भाटा को, अणुनगरी जो रावत भाटा को अणुनगरी के नाम से जानते हैं। रणकपुर जैन मंदिर हमने पता है मथाई नदी के किनारे 1444 खंभों वाला मंदिर, बार बार हमने पढ़ा था और सीधा सा प्रश्न छप भी गया। ये अवनी लेखरा का संबंध पूछा गया है तो अवनी लेखरा जो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर, तो उनका संबंध शूटिंग से आएगा। और उसके बाद में बात करें कि परमाणु प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान में पोखरण में किया गया था, पोखरण जैसलमेर में राजस्थान में परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। राजस्थान का राज्य खेल आप सभी साथियों को पता है बास्केटबॉल हो जाएगा, तो ये भी पर्सन हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना आसान जी किया था कि कुछ कह ही नहीं सकते, इतने एकदम आसान पर्सन। लोकसभा की राजस्थान में सीटें कितनी है, तो 25 सीटें थी। पोमचा क्या है, पोमचा एक वस्त्र है, आप सभी को पता है पोमचा के बारे में, पोमचा क्या है, वस्त्र है। वक्कल माता या विरात्रा माता का मंदिर पूछा था, जो भी हमने पढ़ा था, चुवाटन बाड़मेर के अंदर स्थित है। उसके बाद में वाल्लर नृत्य के बारे में संबंधित प्रश्न आया कि वाल्लर नृत्य कहाँ किस जनजाति का है, तो ग्रासिया जनजाति का वाल्लर नृत्य हो जाएगा। इस विद्यार्थी ने साथ साथ में उत्तर भेजे, ये इसकी अच्छी बात लगी, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जीके विद गजान सर अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर मैंने आपको ये सारे के सारे प्रश्न अवेलेबल करवा रखे हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा सरगासुली कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में हो जाएगी। सोनारगढ़ का किला यानी जैसलमेर दुर्ग किसने बनाया था, तो आप सभी को पता है राहुल जैसल भाटी ने बनाया था। फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ऐसे पर्सन था, फुटवियर आकृति का जिला नहीं पूछा था, फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट पूछा था, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। कुछ पर्सन तो इस विद्यार्थी ने हमें भेजे और उसके अलावा कुछ पर्सन है वो एक विद्यार्थी ने और ने भेजे थे, वो भी हम इन पर्सनों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पर्सन इन्होंने भेजे थे, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो ये पर्सन ध्यान से देखते हैं, ये पर्सनों के ऊपर वीर सत्सई की रचना किसने की थी, वीर सत्सई की रचना जो वंश भास्कर वीर सत्सई है इसकी रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। अवनी लेखरा का संबंध किस से है, तो ध्यान रख लेना अवनी लेखरा का संबंध है, वो आपको पूछा गया पर्सन है, तो ध्यान रख लेना प्रमुख रूप से। जैसे ये तो हमने बताई दिया आप सभी साथियों को, राजस्थान में सांसद जो लोकसभा के सांसदों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है ये मैंने आपको बताया, तो ये आपको पता ही है, लोकसभा के 25 है, राज्यसभा के 10 हो जाएंगे। उसके बाद अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती है, बूंदी के अंदर शायद, ये माही महोत्सव वाला जिला पूछा था, जो माही महोत्सव का जिला पूछा है। यमुना में मिलने वाली नदी इस प्रकार से डेपुर ये होगा नहीं, और तीमनगढ़ का किला बता दिया। जहूरखा मेवाती का संबंध किस से, जहूरखा मेवाती ये पर्सन एक आया था, ध्यान रखो। तो कुछ पर्सन ऐसे आए थे, उसके अलावा एक वो लोकोक्ति भी आई थी प्रमुख रूप से, जिसको हम कहते हैं वो कौन सी लोकोक्ति, उस लोकोक्ति की हम बात करेंगे भाई, जो राबड़ी की वह मन भी जानता हूँ खाऊँ, तो वो लोकोक्ति भी आई थी। तो ये कुछ राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विद्यार्थियों ने भेजे थे। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कितने पर्सन सही होते हैं, जो पर्सन आपको याद है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें अवगत करवाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम।